हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कनफड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका बायोग्राफी सीरीज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम मातंगिनी हाजरा के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ये इंडिया की बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी रही हैं, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से। और अब तक की जितनी भी मैंने बायोग्राफी सीरीज में जो वीडियोज बनाई हैं, उनमें मुझे सबसे ज़्यादा ये इंस्पिरेशनल और रेवोल्यूशनरी लगी हैं। तो इनके बारे में ये मैं बताने के लिए आपको काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये बायोग्राफी सीरीज़ का तो हिस्सा है ही है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो वुमेन फिगर होती हैं जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है, खास करके स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं भुला दिया गया है। तो इनके बारे में मैं बता के कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा इनके बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो हमारे जो ये हैं, इनका नाम तो आप समझ गए हैं, क्या नाम है, मातंगिनी हाजरा नाम है इनका, ठीक है। ये आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये इनकी है और ये इनकी कॉमरेटिव जो मूर्ति है। तो इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1870 में। कब जन्म हुआ था? 19 अक्टूबर 1870 में। और तामलुक, मिदनापुर एक जगह है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जिला है, तो वहीं पर एक गांव है, ठीक है, जिसका नाम तामलुक शहर है। तामलुक शहर है, गांव नहीं है। तो वहीं पर जो है इनकी पैदाइश हुई थी या बर्थ हुआ था इनका। और इनके पिता जो थे उनका नाम था ठाकुर दास मेती, ठीक है। क्या नाम था उनका? ठाकुर दास मेती। और जो इनकी माता जी थी उनका नाम था भागवती मैती नाम था। इनके साथ शुरू में काफी ट्रेजेडी हो गई। जब ये बच्ची थी, 12 साल की उम्र थी इनकी, तो इनके साथ क्या हो गया, इनका बाल विवाह कर दिया गया। 62 वर्षीय एक विदुर थे जिनका नाम था त्रिलोचन हाजरा, ठीक है, तो उनके साथ इनका विवाह कर दिया गया है। तो शुरुआती जीवन जो थी काफी जो है इनके साथ नाइंसाफी वाली कह सकते हैं वो था, इन्हें जो है बाल विवाह का दंश भी झेलना पड़ा। और इनके लिए एक बहुत ही फेमस टर्म है, ठीक है, ये मतलब कि इनको जो है जिस नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था, यानी कि इन्हें बूढ़ी गांधी या ओल्ड लेडी गांधी के नाम से जो है इन्हें जाना जाता था। अभी दरअसल इनका 19 अक्टूबर को बर्थडे था, इस वजह से ये काफी चर्चे में हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग इनके बारे में। अब जो है मैंने आपको इनको होल सोल जो इनका इंट्रो है कि कहाँ पर पैदा हुई, इनके माता पिता का नाम क्या था, किस जगह से संबंध रखती थी, मैंने ये आपको डिटेल बता दी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें जो है हम इनका भारतीय स्वतंत्रता जो संघर्ष था उसमें क्या योगदान है उसको जो है हम काफी अच्छे तरीके से जो है एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, तो अब इनका जो है भारतीय स्वतंत्रता में जो है योगदान शुरू होगा, और वो भी बहुत बड़े स्तर पर। देखिए 1905 में जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने जो है बंगाल का विभाजन किया था, यानी कि बंगाल जो प्रांत था उसको हिंदू और मुस्लिम के तौर पे जो है कैटेगराइज करके उनको जो है दो अलग अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन जो है उस टाइम शुरू हुआ, जिसमें भारतीय आंदोलन के तौर पे पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं ने खुलकर जो है पार्टिसिपेट किया। और उसमें जो सबसे पॉपुलर फिगर, जो वेमन फिगर में से जो निकली, उनमें से कौन थी, मातंगिनी हाजरा थी, ठीक है। इन्होंने जो है बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट किया, काफी लोगों को दंग कर दिया है। और जो मिदनापुर जो जगह थी वहां पर से जो है कहीं ना कहीं ये एक नेता की तरीके भूमिका अदा कर रही थी, वहां पर ये लीडर थी। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने जो है वहां पर जो रचनात्मक कार्य होते हैं, जैसे कि खादी वगैरह को प्रमोट करना, इन सारे कामों को इन्होंने बड़े स्तर पर किया। उसके बाद जो है इन्होंने जो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, जो डांडी यात्रा थी, जब डांडी यात्रा उनके गांव के पास से जब निकला, ये मतलब कि इनके गांव से जो है जिस जगह से ये संबंध रखती थी, इन्होंने जो है क्योंकि उसमें औरतों का पार्टिसिपेशन था नहीं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में लोग जब जा रहे थे, तो इन्होंने जो है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर औरतों की जो है भागीदारी को उसमें शो किया लोगों को। फिर उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है, उसमें इन्होंने सक्रिय महिला के तौर पर सहभागिता अपनी शुरू की,
जिसके वजह से क्या हुआ कि इन्हें जो है बाद में अरेस्ट वगैरह भी किया गया। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन एक था, यानी कि अंधाधुंध जो टैक्स लिया जा रहा था भारतीय किसानों और मजदूरों से, उनके विरोध में एक करबंदी आंदोलन चलाया गया था, जिसको दबाने के लिए जो बंगाल के जो तत्कालीन गवर्नर थे, जिनका नाम था एंडरसन, वो तामलुक आए थे। ठीक है, तामलुक कहाँ है? तामलुक मिदनापुर में है, तो वहां पर आए हुए थे। और मतांगनी हाजरा जी जो हैं, इन्होंने क्या किया, काला झंडा लेके सबसे आगे ये खड़ी थी। इस वजह से इनको जो है बाद में क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और फिर मुर्शिदाबाद जो जेल है वहां पर ये 6 महीने तक बंद थी। कितने महीने तक बंद थी? 6 महीने तक ये बंद थी मुर्शिदाबाद जेल में। फिर उनका जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो सबसे बड़ा योगदान जो माना गया, वो था 19 सितंबर 1942 में, जब जो भारत छोड़ो आंदोलन तो अगस्त में ही शुरू हो गया था, इन्होंने पार्टिसिपेट कब किया? 29 सितंबर। देखिए तब उस टाइम क्या था, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं थे, तो लोगों को धीमे धीमे बातें पता चलती थी। तो इन्होंने जो है 6,000 लोगों का जो जत्था था आंदोलनकारियों का, उसकी जो है अगुवाई की, अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जुलूस निकाला। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या था, वहां पर जो है 144 जो धारा है आईपीसी की, वो लगी हुई थी, यानी कि एक तरीके का कर्फ्यू जिसे बोल सकते हैं, वो लगा हुआ था। वहां पर क्या हुआ, ये आगे बढ़ती गई, इनको जो है पुलिस वाले रोक रहे थे, लेकिन हाथ में ये झंडा लिए हुए थी और आगे बढ़ती चली गई। तो पुलिस जो उस टाइम जो उनकी जो पुलिस थी अंग्रेजों की, उन्होंने जो है इन्हें 3 गोलियां मारकर इन्हें शहीद कर दिया, और भारतीय इतिहास के पन्नों पर सदैव के लिए इन्हें जो है अमर कर दिया। और उस टाइम जो है एक किताब थी, जिस एक न्यूज़पेपर चलता था डेली न्यूज़पेपर, जिसका नाम विप्लवी था, तामलुक में ही था, तो उसने जो है इस बारे में पुष्टि की थी कि उन्हें 3 गोली मारी गई थी, और आखिरी टाइम में भी वो जो है मतलब कि अपने देश की और देश की जो है राष्ट्रवादी गतिविधियों में ही संलिप्त थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।